अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पासवान ट्रेड मार्केट की जानिब से आपका मेज़बान हाफिज़ हमज़ा बिलाल आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने रविंदर कुमार छप्पर साहब का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने अपने आबाओ अजदाद की जो है वो हिस्ट्री बताई थी, तो मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह मैं आपको शमशान घाट पे भी ले कर चलूँगा, जो कि करियाला गांव के साथ एक जुड़वा गांव है जिसे भल्ला कहते हैं, भल्ला शरीफ, उसे थोड़ा सा आगे निकल के एक शमशान घाट है। जैसा कि उनका कहना था कि डिस्ट्रिक्ट चकवाल में जस्ट उनकी जो है वो एक ही ख़ानदान, वो एक ही मतलब कि उनकी फैमिली रह चुकी है। अभी शमशान घाट तो अभी बंद है, मतलब कि इसमें अभी तक वो नहीं है, इसके हालात बहुत ही खस्ता हो गए हैं। और मेरे जो सामने हैं वो एक तालाब भी है जिसमें मुर्दे जो है वो जला के उनकी राख जो है वो बहाया करते थे। तो अभी जो है मेरा कैमरामैन आपको अंदर का विज़िट भी और इंशाल्लाह वो तालाब भी दिखाएगा। और जो पत्ते थे, मतलब कि हम अक्सर देखते थे फिल्मों में, मूवीज़ में, जो इंडिया की जैसे कि वहाँ पे होता है कि राख वग़ैरह रख के पत्तों पे, तो वो आगे जो बहा देते हैं कि यहाँ पे जो उनका अपना अकीदा, उनका अपना जो है वो मज़हब था कि जो गुनाह हैं वो धुल जाते हैं इस तालाब में, तो वो तालाब भी यहाँ पर मौजूद है। इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएँगे। और बहुत सारे जो पत्ते हैं वो भी यहाँ पे मतलब कि तालाब पानी में मौजूद हैं, तो मेरा कैमरामैन अभी आपको दिखाएगा शमशान घाट के अंदर के हालात और कैसे उसके मतलब के तालाब के हालात हैं, शमशान घाट के हालात हैं जहाँ पे मुर्दे जलाया करते थे।